मनोज जैसे फाइनली मिलने गया था तो यार बहुत ही घमंडी, बहुत ही जो बोले इंसान है यार। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों ये जो लड़का आप देख रहे हो, इस लड़के का नाम है सिकंदर, और ये मनोज डे के बारे में बहुत ही अपशब्द कह रहा है। अपशब्द मीन्स कि वो घमंडी है, वो मेरे से अच्छे से मिला नहीं, मेरा केयर नहीं किया, मेरी सेवा नहीं की, जो कि ये बहुत ही गलत बात है दोस्तों। इसने मनोज डे के बारे में एक लंबा सा वीडियो बनाया है जिसपे उसने सिर्फ मनोज डे को घमंडी कहा है, जबकि मनोज डे के बारे में इसे कुछ भी नहीं पता। मनोज डे की गलती क्या थी, आपको मैं आगे एक वीडियो दिखाता हूँ, आप खुद देख लो, खुद फैसला करो। मनोज जैसे फाइनली मिलने गया था तो यार बहुत ही घमंडी, बहुत ही जो बोले इंसान है यार। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, मनोज जैसे मिलने गया था, ये क्लिप आप लोग पहले देखिए। तो मनोज भाई के साथ अभी जो फोटो वोटो ले लेंगे हम लोग भाई लोग और चलेंगे यहाँ से मिलिए। बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही अच्छे इंसान है, जो कि इतना मुझे हो नहीं रहा था कि मिलेंगे। तो मैं मनोज जैसे ये मिलने गया था और वीडियो बना रहा था, और मनोज जी मेरे से साइड होकर चले गए अपने घर अंदर। जी हाँ दोस्तों, मैं मनोज जी के पास वीडियो बना रहा था और वहाँ से निकल गया। दोस्तों जैसा कि आपने इस वीडियो क्लिप पे देखा कि ये बंदा जबरदस्ती फोर्स किया हुआ है मनोज डे को अपने साथ वीडियो बनाने के लिए, और इसे ये भी नहीं देखना कि मनोज डे किस काम पे जा रहा है, किस लिए, क्या कर रहा, कहाँ है, आगे वो क्या करने वाला है, बस इसे वीडियो बनाने से मतलब है। और आप एक वीडियो पे एक चीज़ ध्यान देना कि इसके अगल बगल कितने सारे लोग हैं जो कि इनको फोर्स कर रहे हैं मनोज डे को कि वो वीडियो बनाए, और मनोज डे को बदनाम करके ये वीडियो अपलोड करता है कि मनोज डे घमंडी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ दोस्तों। मैं एक साल पहले मनोज जी से मिला था, मैं देवरी मंदिर गया हुआ था और वो भी उस टाइम पहुँचा हुआ था। सो गाइस, वो बहुत ही सिंपल सा लड़का है, सिंपल सा बंदा है, वो इतना सिंपलिस्टिक तरीके से मेरे से बात किया कि मैं क्या बोलूँ, बहुत ही नॉर्मल तरीके से मैं उससे मिलने गया। वो नॉर्मल जैसे एक दोस्त एक दूसरे दोस्त से मिलता, उस तरह का उसका बिहेवियर, और ये लोग उसे गंदा बता रहे हैं, ये लोग उसे घमंडी बता रहे हैं, तो मैं कैसे एक्सेप्ट करूं इस चीज़ को। इसीलिए मैंने दोस्तों वीडियो बनाया, मैं आगे एक स्क्रीनशॉट आपको दिखाने जा रहा हूं। उस स्क्रीनशॉट पे देखना किस तरीके से वीडियो बनाता है, किस तरीके से वर्ड्स का यूज़ करता है, किस तरीके से सेंटेंस बनाता है, किस तरीके से ये मनोज डे को टारगेट करता है। आप आगे ये स्क्रीनशॉट देखो दोस्तों, इस स्क्रीनशॉट पे आप इसका वीडियोस का थंबनेल चेक करो। आपका बॉयफ्रेंड कौन है, ये सिकंदर पूछता है, ज्योति बताती है मनोज है, और जब मनोज से पूछता है सर आपका गर्लफ्रेंड कौन है, तो बताता है मनोज ज्योति है। तो इस तरीके के थंबनेल यूज़ करता है। तो आप ये थंबनेल देख रहे हो इसके वीडियो का, ये मनोज डे को घमंडी बता रहा है। इसके दूसरे वाले वीडियो पे इसने कहा है कि मनोज डे और ज्योति गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, मनोज डे ने इनसे खुद कह दिया। अब बताओ भाई, मनोज डे को और कोई नहीं मिला ये सब शेयर करने के लिए, बस ये बंदा मिला है और ये हमारे सामने पेश कर रहा वीडियोस ताकि हम मनोज डे के लाइफ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। सो दोस्तों, ऐसे लोगों से थोड़ी दूरी बनानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी इसने किया है बहुत ही गलत किया है। सो दोस्तों, मेरा जमशेद पुरियन आप सभी से ये अनुरोध करूँगा कि ऐसे लोगों को थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखो अपने लाइफ से, ताकि आप भी खुश रहो, क्योंकि ये अपनी कामयाबी के लिए किसी को भी टारगेट ले सकते हैं, किसी को भी बदनाम कर सकते हैं दोस्तों। और एक चीज़, मनोज डे बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत लोगों की उसने मदद की है। जब से वो सक्सेसफुल बना है उसने बहुत सारे लोगों की मदद की है। वो अगर उसके बारे में आप जानना चाहते हो, उसका पुराना वीडियोस देखो, उसका जो पहला वीडियोस आता था पहले में, वो देखना, वो किस कहां से कैसे ऊपर गया, आपको सारी जानकारी उससे मिल जाएगी दोस्तों। सो मेरा जमशेद पुरियन आप सभी से विदा लेता हूं दोस्तों, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।